नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरोहा टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। अमरोहा टीवी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेगी जिले की तमाम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। अमरोहा डीएम ने किया सीएससी गजरौला का निरीक्षण, इलाज में लापरवाही न बरतने के दिए निर्देश। धनारा के परकपुर में शादी समारोह में तमंचे के साथ डांस करते हुए युवक का वीडियो हुआ वायरल। नशे में धुत युवक के हाथ में तमंचा देख लोगों में मची भगदड़। अमरोहा के गांधी मूर्ति चौराहे पर जसवा फाउंडेशन ने किया पौधारोपण, लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए किया जागरूक। अमरोहा के नए जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला का निरीक्षण किया। डीएम त्रिपाठी ने सीएचसी प्रभारी से भर्ती मरीजों की संख्या, ओपीडी, दवा की उपलब्धता, आरटीपीसीआर टेस्ट के अलावा बच्चों के टीकाकरण, वैक्सीन की उपलब्धता और वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड चेन सहित कई अन्य जानकारियां ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए जो वार्ड बनाया गया है उसमें सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाए और वैक्सीन के दुरुपयोग को रोका जाए। साथ ही उन्होंने ब्लैक फंगस के इलाज में किसी तरह की लापरवाही न करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएससी गजरौला प्रभारी मौजूद रहे। धनौरा के परकपुर में तमंचे के साथ डांस करते हुए युवक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल तमंचे के साथ अपना स्वैग दिखाता ये युवक बुरी तरह नशे में धुत था और वहां हो रहे एक शादी समारोह में पहुंचा था। तभी डांस करने के दौरान नशेड़ी युवक ने अवैध तमंचा निकाल लिया। वहीं कुछ लोगों ने उसे फायर करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन तमंचे के साथ युवक को देखकर शादी समारोह में आए लोगों में हड़कंप मच गया। अमरोहा के गांधी मूर्ति चौराहे पर जज्बा फाउंडेशन ने पौधारोपण करने के साथ ही लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक किया। जज्बा फाउंडेशन के अध्यक्ष इकबाल खान ने फाउंडेशन के सदस्यों के साथ मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए 6 मई यानी पर्यावरण दिवस के अगले दिन लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ हमारे आसपास की जलवायु शुद्ध होगी बल्कि ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। जी इकबाल भाई, बताओ आज जो पौधारोपण किया है क्या प्रॉब्लम? आज जज्बा फाउंडेशन के तत्वावधान में हमने गांधी मूर्ति चौराहे पर पौधारोपण करा। इस अभियान की शुरुआत जज्बा फाउंडेशन के द्वारा की गई और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि अभी कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत हुई और लोगों ने देखा कि बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, तो ऑक्सीजन की अहमियत को देखते हुए हम सब लोग, जज्बा फाउंडेशन की टीम पूरे साल भर अमरोहा जनपद में पौधारोपण करेगी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शहर की अधिकारीगण, राजनीतिकगण, व्यापारीगण, सामाजिक संस्थाएं और पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर हम पूरे शहर में पौधारोपण के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अमरोहा की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।